केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर। कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों मारे? कहीं आपने भाई को तो? मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अजय देवगन स्टार फिल्म दृश्यम 2 का बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 से अब आगे निकल गई है। वहीं फिल्म दृश्यम 2 टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज में अपनी जगह भी बना ली है। फिल्म के डे 28 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। बात करें फिल्म दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 की, तो फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर 1.45 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म दृश्यम 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 215.45 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शंस हो चुका है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म दृश्यम 2 का टोटल वर्ल्ड वाइड से 308.65 करोड़ का कलेक्शंस रहा है। वहीं दोस्तों फिल्म दृश्यम 2 का अभी तक ओवरसीज मार्केट से 52.24 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म दृश्यम 2 के बजट की बात करें तो फिल्म को 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। फिल्म दृश्यम 2 एक सस्पेंस से भरी कहानी है जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर करेगा। फिल्म दृश्यम 2 आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। बात करें फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म भेड़िया का बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। बात करें फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म ने डे 21 के अंदर 0.3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म भेड़िया का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 65.66 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले, फिल्म भेड़िया ने वर्ल्ड वाइड से 87.25 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म भेड़िया के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर रही है। फिल्म बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने वाली है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि फिल्म भेड़िया 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु की नई रिलीज फिल्म हिट 2 द सेकंड केस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म हिट 2 का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 की, तो फिल्म हिट 2 ने अपने डे 14 के अंदर 0.40 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म हिट 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 41.20 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 25.45 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का ओवरसीज से 10.20 करोड़, तो वहीं फिल्म का कर्नाटका प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया से 5.16 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। फिल्म हिट 2 द सेकंड केस के बजट की बात करें तो फिल्म को 10 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत जल्द अपने 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने वाली है। फिल्म हिट 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म हिट 2 आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म को लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल की नई रिलीज फिल्म गदा कुश्ती के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म गदा कुश्ती का भी बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। बात करें फिल्म गदा कुश्ती के डे 14 कलेक्शन की, तो फिल्म ने डे 14 के अंदर तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 0.15 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म गदा कुश्ती का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 23.40 करोड़ की कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 12.70 करोड़, तो वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 2.85 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म गदा कुश्ती के बजट की बात करें तो फिल्म को 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। फिल्म गदा कुश्ती एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म में विष्णु विशाल के साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी भी नजर आ रही है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दोस्तों आप सभी को बताते चलू की फिल्म गदा कुश्ती तेलुगु वर्जन में माटी कुश्ती के नाम से डब किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आयुष्मान खुराना एंड जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म एन एक्शन हीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बताते चलूं कि फिल्म एन एक्शन हीरो का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 की, तो फिल्म एन एक्शन हीरो ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के अंदर 10 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म एन एक्शन हीरो का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 11.40 करोड़ की टोटल कमाई हो चुकी है। फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड से बात कर ले तो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड से 16.06 करोड़ की
टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से टोटल 3.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म एन एक्शन हीरो के बजट की बात करें तो फिल्म को 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। तो आयुष्मान खुराना की लगातार पांचवी फिल्म है जो ये फ्लॉप हुई है। फिल्म एन एक्शन हीरो के ऊपर आपकी क्या राय है अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेकर चुका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। कुछ पसंद आया तो लाइक करेगा सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉलीवुड के करियर से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।